की बड़ी खबरों की तरफ। देश के कई हिस्सों में आज उपचुनाव, पीएम मोदी ने लोगों से की भारी मतदान की अपील। बंगाल की रैली में बोले पीएम मोदी, खेला करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही, बीजेपी जनता के लिए काम करेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले कोरोना के चलते आज और कल दिल्ली में कर्फ्यू है, इसका पालन करें। दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की निकासी के मामले में लालू यादव को मिली जमानत। 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन की बैठक, कहा मरीजों को जल्द से जल्द मिले ट्रीटमेंट। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, जिन राज्यों में कोरोना के मामले ज्यादा, वहां के लिए एडवांस रणनीति बनाएं। ममता बनर्जी की ऑडियो टेप की जांच के लिए बीजेपी ने एसआईटी गठित करने की मांग की। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से की फोन पर बात, केंद्र से मांगा ऑक्सीजन। बंगाल की कमरहाटी में बीजेपी के पोलिंग एजेंट की अचानक मौत पर चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। राहुल गांधी का निशाना ट्वीट कर बोले, शमशान और कब्रिस्तान दोनों जो कहा सो किया। यूपी में अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल हुए कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। बंगाल में महुआ मोइत्रा केंद्र पर हमला, कहा जनता कोरोना से लड़ रही है और पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। देश में कोरोना का कहर, पिछले घंटे में 2,34,692 नए मामले आए सामने, 1,341 लोगों की हुई मौत। बंगाल चुनाव में वर्धमान में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की पिटाई, टीएमसी पर लगा आरोप। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 8 दिन में 35,000 लोगों का चालान बिना मास्क, 22,581 के खिलाफ कार्यवाही की। कोरोना के चलते रैलियों में भीड़ और कुंभ में लोगों के जमावड़े को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया क्वारंटीन। तमिल अभिनेता विवेक का चेन्नई के अस्पताल में हुआ निधन। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना का रिकॉर्ड, 19,486 नए मामले आए सामने, 141 लोगों की हुई मौत। सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी करने वाले दो लोग हुए गिरफ्तार, 100 करोड़ की हेरोइन हुई बरामद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।